जोगेंद्र शर्मा जी का म्यूजिक के साथ जो गाना है वो भी सुन लीजिए, कितना खूबसूरत कितना बढ़िया जनरेटर की आवाज, कुछ यहाँ पे लोहे की आवाज, ये चलता रहेगा। कलाकार झोंपड़ियों में ही पैदा होता है, तो उसी के लिए आपको फिक्र नहीं करना। गाने के बोल और उनका गाने का स्टाइल देखिए, आपको बिल्कुल दिल दर्द नहीं आएगा। चलिए तो एक बार उस गाने जो आप गाना चाहते हैं जय हिंद वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि मैं लगातार कुछ नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कुछ अच्छा जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जिनके अंदर कुछ जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जिसके अंदर जिंदा है, जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसी क्रम में ये वीडियो है शर्मा आर्ट का। शर्मा आर्ट कौन है? ये एक राइटर है, एक सिंगर है, ये एक पेंटर है, ये हैं कौन? तो आज उनसे ही हम मिलवाते हैं और उनकी पूरी डिटेल्स लेते हैं कि वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे एक आदमी जो गांव से उठ के पेंटिंग दुकान तक एक पेंटर कैसे बना और एक सिंगर कैसे बना, तो उसी क्रम में इस वीडियो को हम बनाए हैं और इस आप सबको ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान अगर सोच अच्छा रखेगा तो जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, ज़िंदगी में सब कुछ किया जा सकता है। तो वही है शर्मा जी और शर्मा जी को मिलाते हैं। तो बात कर रहे हैं शर्मा जी से, आप अपना पूरा नाम बताइए और आप कौन हैं? सबसे पहले सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ पटना बेउर मोड़ पे रहता हूँ। मेरा एक दुकान है छोटा सा, ये पेंटिंग का, जो कि मैं पेंटिंग करता हूँ हाथ से, साथ में स्टिकर का भी काम होता है मेरे यहाँ, फ्लैक्स का भी काम करता हूँ
पेंटिंग से संबंधित जितने भी काम होते हैं, गाड़ियों पर लिखाई भी करता हूँ, गाड़ियाँ पेंटिंग भी करता हूँ। मेरा एक बेल्डिंग का दुकान है यहाँ पे, डाला बॉडी भी बनता है, ये सब काम करता हूँ मैं। और सुनने में आया कि आप एक गायक भी हैं, एक सिंगर भी हैं, इसके बारे में बताइए। जी, कुछ कुछ गा लेता हूँ और शौक है, शौक से ही सब कुछ चल रहा है, शौक से गाना। एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं आपकी वेल्डिंग भी जानते हैं, आप गाना गाना भी जानते हैं, आप पेंटिंग भी जानते हैं, ये सब में से इसकी सिखलाई या ट्रेनिंग कहाँ से मिला? जी, मैंने किसी चीज़ का कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं लिया है, बस ये समय के साथ करता गया और आता गया, संघर्ष करता गया और आता गया सर। मैं मानता हूँ छोटा मोटा काम किया जा सकता है, लेकिन पेंटिंग का जो काम है इसका आपने कहीं सिखलाई नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया? कोई ट्रेनिंग कहीं। तो फिर मतलब पेंटिंग में आए कैसे, इस पेंटिंग के क्षेत्र में कैसे आ गए, आप पेंटर कैसे बने? पढ़ाई के पीरियड में शौक था, कुछ कॉपी वगैरह पे बनाता रहता था। अच्छा। पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाता था, बस वही बनाते बनाते सीखा था। तो उस ड्राइंग को बनाते बनाते, दोस्तों एक कहावत कहते हैं कि पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लें। तो इन्होंने वही काम किया, अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया, जो इनकी जिद इनके जुनून थी उसी को अपना बिजनेस बना लिया। अभी मुझे पता लगा कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है। जी, योगेंद्र शर्मा के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज या गाने वगैरह डालता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो इनका चैनल है यूट्यूब का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक करके इनके वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा, तो योगेंद्र शर्मा जी के उस चैनल पर जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आगे कुछ बताइए अपने बारे में। वैसे मेरे चैनल के अलावा कुछ गाने हैं जो कि मैं खुद लिखता हूँ और गाता भी हूँ, वो सारे YouTube पे मिलेंगे आपको, अलग अलग कंपनी से, TF वगैरह से है, वर्ल्ड वाइड से है। तो वहाँ मेरा नाम योगेंद्र शर्मा योगी है, योगेंद्र शर्मा योगी नाम टाइप करने से मेरा गाना आ जाएगा। ये एक पोस्टर लगा हुआ है, मेरा पोस्टर दिखाएंगे जरा? पोस्टर दिखा दीजिए। इस तरह का नया साल आइल बा और स्वर है योगेंद्र शर्मा योगी जी का, ठीक है? गाने भी मेरे लिखे हुए हैं। अच्छा, गाने भी आप लिखते हैं, कई काम आप करते हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 45 इयर्स है। आपकी एज 45 इयर्स, कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं, दो बेटियां हैं और एक बेटे हैं। तो सबसे बड़ा बेटा है कि बेटी? सबसे बड़ी दोनों बेटी है और बेटा सबसे छोटा है। अच्छा, तो आपकी बड़ी बेटी की कितनी एज होगी? लगभग 21 साल। इनकी 21 साल की बेटी है, लेकिन सोच बच्चे जैसा है और सोच हमेशा जिंदा रखना चाहिए, मतलब जीवन में कभी अपने आप को बूढ़ा या निराश महसूस नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी सोच है, आज भी अपने आप को मतलब सिंगर की तरह, पेंटर की तरह सोचते हैं, काम करते हैं, 21 साल की बेटी होने के बावजूद भी। यहाँ आदमी 30 साल का होने के बाद अपने आप को बूढ़ा महसूस करता है। तो दोस्तों ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, मोटिवेशन है कि अपने आप को कहीं बूढ़ा महसूस मत करिए, जब तक जीवन है तब तक काम कीजिए और खुश होकर जीवन जीने की कोशिश करिए। और शर्मा जी अगर एक सिंगर हैं तो सिंगर से एक गाना जरूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गाना भी एक गा के हमको सुनाएं। कौन सा गाना गाइएगा सर? मैं खुद का ही लिखा हुआ गाना गाता हूँ। अच्छा। जो बहुत संदेशात्मक गाना है, उसका अभी जल्द ही यूट्यूब पर भी आएगा वो गाना। अच्छा। अभी म्यूजिक उसका कंप्लीट हुआ है। गाने का बोल मैं सुनाता हूँ। अपन बिगड़ल सुधार रहनिया, जिनगिया जियान हो जाई, जियान हो जाई है, जियान हो जाई। अपन बिगड़ल सुधार रहनिया, जिनगिया जियान हो जाई, रोज बनावतारू नया हो कहानी, पिया जी के रटबू त बनी जिंदगानी हो, रोज बनावतारू नया हो कहानी, पिया जी के रटबू त बनी जिंदगानी, सब रह जाई इहमें सोना चानी, जवानी जियान हो जाई। कितना बढ़िया सॉन्ग, मतलब बिल्कुल सेटिस्फेक्शन दिलाता है ऐसे 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 गाने। कलाकार कहीं भी हो सकता है, किसी घर में हो सकता है, किसी अप्स में, किसी डाउन्स में, हर कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस आने चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ।